तू साहसी है ये वानर। हमारे ही क्षेत्र में हमें चुनौती दे रहा है। वो भी बिना रक्षा सूत्र के। ये कहाँ लुप्त हो गए? कहीं ये फिर मेरे प्रभु के पास ना चले जाए। तो वहाँ है ये। अरे ये भी अदृश्य हो गया। ये कौन सी क्रीड़ा कर रहे हैं मेरे साथ? ये कहाँ दृश्य हो गए? अच्छा, तो ये माया से भ्रमित कर रहे हैं हनुमान को, किंतु मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। वानर, बहुत उछल कूद मचा रहा है तू। अच्छा रहा, इस मूर्ख वानर की बुद्धि फिर गई कि ये हमें स्वयं अयोध्या से इतनी दूर ले आया। अब तुम में से कुछ मेरे साथ चलो, शेष सब यहीं रहकर इस वानर को उलझाए रखो। मैं अयोध्या जाकर लंकेश का कार्य संपन्न करता हूं। चलो। तो पीछे से वार कर रहे हैं ये। तो इस भूल भुलैया का लाभ उठा रहे हैं। समझ गया कि मुझे क्या करना है। अयोध्या जा रहे हैं। मैं इन्हें अयोध्या तक पहुंचने नहीं दूंगा।
धूम्र बनो, मैं तुम सबको उस ओर जाने ही नहीं दूंगा। अच्छा तो ये है तुम्हारी निद्रा ना आने का कारण। इनसे भी तेरी सुरक्षा कर रहे हो तुम हनुमान। ये तो गया, हम पिशाचों से कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। सखा पहले ही तुम धूम्र रूप में हनुमान से बचकर निकल जा रहे थे, लेकिन पिशाच रूप में तुम्हें हनुमान से कोई नहीं बचा सकता। मैं तो किसी प्रकार संभल गया, यदि इनको नहीं रोका तो ये पृथ्वी मंडल से बाहर चले जाएंगे। इस वानर को हमारी शक्तियों का अनुमान नहीं है। इसे दिखाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। किंतु उससे पहले हमें इस दशरथ पुत्र का अपहरण करना आवश्यक है। चलो हनुमान, तुमने पुनः मेरी रक्षा की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। किंतु प्रभु, मैं आपकी निद्रा भंग होने से नहीं बचा पाया। हनुमान, निद्रा तो पुनः आ जाएगी, किंतु ये पिशाच बड़े ही हठी होते हैं, पुनः आ सकते हैं ये। प्रभु, उसका उपाय भी है मेरे पास, मैं अभी आया। मुझे ज्ञात है हनुमान, तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। देखो, वो दशरथ पुत्र अकेला है कक्ष में, यही अवसर है उसका अपहरण करने का। चलो।
था रक्षा सूत्र। ये यज्ञ की अग्नि इतनी दहक क्यों रही है? उसका धूम्र भी तीव्र हो रहा है। ये तो यज्ञ की पवित्र धूम्र की सुगंध है। वायु दिशा तो इस ओर है नहीं, फिर ये भवन की ओर कैसे आ पहुंची? राजकुमार राम के कक्ष से धूम्र निकल रहा है, अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। भागो 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 भागो। यज्ञ के धूम्र की सुगंध, किंतु इस ओर कैसे? अरे दौड़ो कोई, राम के कक्ष में धूम्र है। राम राम राम, हनुमान ये उपाय तो बहुत ही उत्तम है, किंतु ये उपाय के बारे में तुमने सोचा कैसे? प्रभु, मेरी माँ ने मुझे बताया था कि यज्ञ के मंत्र में ही नहीं, यज्ञ के धुएं में भी बहुत शक्ति होती है। वो किसी भी असुर या अन्य प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। प्रभु, आप अपना हाथ आगे कीजिए। युद्धजीत, युद्धजीत, बड़ी सुख की निद्रा में डूबे हो। युद्धजीत, मंथरा हूं मैं, कब से जगा रही हूं तुम्हें? अब इतनी रात्रि को कौन सी विपदा पड़ी? विपदा तो राम पर आ गई होगी, पिशाच ले गए होंगे उसे अब तक। हाहाकार मचने लगा होगा वहां, सब राम के कक्ष में एकत्रित हो गए होंगे। रोना धोना मच गया होगा वहां राम के कक्ष में। राम, तुम ठीक तो हो? तुम्हारे कक्ष में धूम्र कैसा? ये तुम दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र क्यों बांध रहे हैं? चिंता मत कीजिए, ये धूम्र तो मित्र हनुमान लाए हैं। माँ, मैं सब बताता हूँ कि क्या हुआ। तो राम का रक्षा सूत्र तोड़ने में तुम सफल हो गई और पिशाचों को भी संकेत दे दिया। हाँ कुमार युद्धजीत, और उस वानर को भी हटा दिया है मैंने वहां से। कौशल्या रानी रो रही हो, चिंता में होंगे महाराज दशरथ। इसका अर्थ ये होता है कि पिशाचों ने जो चेतावनी दी थी सत्य हो सकती थी। हम तुम्हारे बड़े राजकुमार को लेने आए हैं और इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। और हनुमान ने आपकी रक्षा की? हाँ पिताश्री। राम
हनुमान ने मेरी पिशाचों से रक्षा तो की ही, मुझे रक्षा सूत्र लाके बनाया भी। ये तो ईश्वर की ही कृपा है कि उसने हमारे राम की रक्षा करने हेतु हनुमान को भेज दिया। परंतु राम के हाथ में तो रक्षा सूत्र बांधा गया था, फिर वो टूटा कैसे? मुझे ज्ञात नहीं है माँ, मैं निद्रा में लीन हो गया था। यह अत्यंत गंभीर विषय, अयोध्या के होने वाले युवराज की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। और ये कार्य अवश्य महल के अंदर के ही व्यक्ति का है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.